कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के पुष्कर में अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में अति पिछड़ा वर्ग का महासंगम भी हो रहा है। इस महासंगम में जहां बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग मौजूद हैं, तो वहीं आसपास के राज्यों से भी अति पिछड़ा वर्ग के लोग इस महासंगम में भाग ले रहे हैं। इस महासंगम में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के पहुंचने की भी उम्मीद है। अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में सुबह कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अस्थियों को पुष्कर के पवित्र जल में विसर्जित किया गया। इससे एक दिन पहले भी पूरी रात कार्यक्रम चले और इन धार्मिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग जुटे। बहरहाल सोमवार को पुष्कर के मैदान में हो रहे इस ऐतिहासिक महासंगम में मौका तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम का है, लेकिन इसके जरिए एक नया शंखनाद किया जाएगा अति पिछड़ा वर्ग की जातियों के आरक्षण को लेकर। यहां पर विजय सिंह बैसला हो या कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अधिकारी पुत्री सुनीता बैसला हो, पहुंच चुके थे और पूरी रात कार्यक्रम में रहे, लेकिन इस मंच के जरिए अब नई ऊर्जा फूंकी जाएगी गुर्जर समाज सहित अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग में। हम आपको बता दें कि यहां बड़ी संख्या में सुबह से ही भीड़ जुटना शुरू हो गई और दोपहर होते होते तक मैदान खचाखच भरने लगा है। एक दिन पहले रात को हुए यहां धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जुटे और गीत संगीत और धार्मिक भजन पूजन के कार्यक्रमों के बाद सुबह गंगा में, और गंगा इसलिए क्योंकि पवित्र जल है और इसे गंगा के समान राजस्थान में माना जाता है, पुष्कर के पवित्र सरोवर में उनकी अस्थियों को विसर्जित कर दिया गया। मंत्रोच्चार के साथ हुए विसर्जन कार्यक्रम के बाद यहां पुष्कर के मैदान में तैयारी है गुर्जर समाज और अति पिछड़ा वर्ग के लिए अब एक बड़ी जंग के शंखनाद की। मैं यहाँ इस पुष्कर के मेला मैदान में अपने पिता के सिपाहियों के साथ और अपने भाइयों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ यहाँ मौजूद हूँ जी। हम आए हैं कर्नल साहब को अंतिम विदाई, कर्नल साहब की अंतिम विदाई के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और अस्थि विसर्जन करने के लिए। कर्नल साहब हमारे समाज के और पूरे MBC वर्ग के, और मैं तो कहूँगी पूरे हिंदुस्तान के बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के बहुत बड़े लीडर थे। उन्होंने हम सबको रास्ता दिखाया है और हम सब मिल करके आज कल उनको अपना रिस्पेक्ट पे करेंगे और सारी दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे लिए वो कितने प्रिय थे, हमारे वो कितने इम्पोर्टेंट लीडर थे। और हम सब रिगार्डलेस ऑफ पार्टी, रिगार्डलेस ऑफ स्टेट, हम सब उनके प्रति, उनके भावनाओं के प्रति, उनके उद्देश्यों के प्रति कम्प्लीटली समर्पित जी। व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी है, आसमान खुला है, धरती स्टेबल है, गुर्जर पूरे जोश से है और इंतजार कर रहा है कल के लिए। और आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा पूरे जोर शोर से होगा, अपने हम अपनी पूरी कल्चरल ट्रेडिशंस और कैपेबिलिटी है उसको एक्सप्रेस करेंगे, आपस में खुशी बांटेंगे। मैडम जी, जो महिलाएं हैं, महिलाओं में भी एक अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, तो 12 सितंबर को कल महिलाओं के आने की भी बड़ी संख्या में उम्मीद है, और आप क्या अपील करना चाहेंगे आम जनता से कल के लिए? समाज की महिलाएं कर्नल साहब के ओपिनियन में बहुत ही बैकवर्ड स्टेट में थी और कर्नल साहब ने समाज की महिलाओं को संभल दिया, रास्ता दिखाया, शिक्षा के रास्ते पर कर्नल साहब उनको लाए। तो अपने ही जीवन काल में कर्नल साहब का जो पीरियड रहा है सामाजिक स्ट्रगल का, उसी में कर्नल साहब ने बहुत बड़ा परिवर्तन महिलाओं में आते हुए देखा है और हम सब देख रहे हैं, परिणाम हमको देखने को मिल भी रहे हैं। हमारी लड़कियां पढ़ रही हैं, शिक्षा में आगे हैं, टॉपर्स हैं अब जी। तो क्यों नहीं आएंगी वो सब महिलाएं अपने लीडर को, जिन्होंने उनको अंधकार से निकाला है, उनको रोशनी दिखाई है, उनको हिम्मत दी है, ताकत दिखाई है और मजबूत किया है। वो सब महिलाएं जो आ सकेंगी वो कल ज़रूर आएंगी और अपने नेता को अपनी श्रद्धांजलि अवश्य प्रकट करेंगी। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे, जो स्वर्गीय कर्नल रोडी सिंह मिश्रा जी आपके पिताजी थे, उनके लिए एक याद के लिए कुछ ऐसा कोई पल देखा हो उनके लिए आपको कहना चाहेंगे आप इसमें? कर्नल साहब का जो स्लोगन है,
गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज, इन चार बातों को अगर हम समझ लें और अपने जहन में उसको उनको ले आए और उस पर काम करें तो ये सबसे बड़ा संदेश है। इससे बाहर हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके अंदर ही हम काम करें, इसी के लिए हम काम करें और हम इसके लिए काम करते रहेंगे तो कर्नल साहब हमारे सामने हमें